YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। वीडियो हम बात करेंगे मार्केट के ब्रॉडर व्यू के बारे में, निफ्टी हमारा क्या कर रहा है अभी, डाउ जोंस क्या कर रहा है, क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, बिटकॉइन हमारा क्या कर रहा है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, हम सेक्टर वाइज साथ ही साथ मार्केट के ब्रॉडर व्यू दोनों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी का, देखिए हम फटाफट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए निफ्टी अभी जो है पूरी तरह से साइडवेज है, जब तक निफ्टी हायर हाई नहीं बनाने लगता है तब तक हम इसको बुलिश नहीं मानेंगे। तो देखिए इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 18600 है, 18600 के ऊपर जब ट्रेड करता है तब हम निफ्टी को बुलिश मानेंगे। तब तक देखिए निफ्टी जो है नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है। अभी पूरी तरह से निफ्टी क्या है हमारा साइडवेज है। जब निफ्टी साइडवेज है तो आपको पूरी तरह से स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, जिस स्टॉक्स में अभी आपको तेजी देखने मिल रहा है उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो देखिए बैंक निफ्टी भी यहाँ पूरी तरह साइडवेज है। बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो 41,877 का है, और अगर इसको जब तक ब्रेक नहीं कर देता है बैंक निफ्टी तब तक बैंक निफ्टी बुलिश हमारा नहीं होगा। तो बैंक निफ्टी भी अभी पूरी तरह से साइडवेज है, तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज है, निफ्टी भी साइडवेज है, तो बैंक निफ्टी भी बुलिश तभी होगा जब अपने ऑल टाइम हाई के ये ऊपर निकलेगा। फिर बात आता है सेंसेक्स का, तो सेंसेक्स का सेम हाल है जो कि निफ्टी का है। सेंसेक्स भी जब तक अपने ऑल टाइम हाई को नहीं ब्रेक करता है, जो 62,242 है इसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें जो है सेंसेक्स में बुलिश हो जाएंगे। तब तक यहाँ पर सेंसेक्स देखिए पूरी तरह से साइडवेज है। फिर बात करते हैं सेक्टर का, तो देखिए सेक्टर में यहाँ पर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में है। तो जो एफएमसीजी के स्टॉक्स है उसे आप अभी काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर आप अपने पोर्टफोलियो में एड कर सकते हैं, जिसपे हमने आपको कई बार बताया भी, मैरिको हो गया, एचयूएल हो गया और ब्रिटेनिया हो गया, ये काफी सस्ते प्राइस पर, काफी चीप प्राइस पर उपलब्ध है। तो आप इन सारे स्टॉक्स के साथ जा सकते हैं, इन सारे स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आईटी सेक्टर का। देखिए आईटी सेक्टर भी काफी जबरदस्त यहाँ पर साइडवेज चल रहा है, तो आईटी सेक्टर में भी अभी साइडवेज मोमेंटम है। अगर ये अपने यहाँ पर सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है या कहीं प्रीवियस जो लो बनाया है इस लो को ब्रेक करके नीचे ट्रेड होने लगता है तो आईटी सेक्टर जो है पूरी तरह से बेरिश हो जाएगा। उसके बाद अगला है ऑटो सेक्टर। देखिए ऑटो सेक्टर जो है यहाँ पर ये भी पूरी तरह से साइडवेज है। तो अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर यहाँ पर देखते हैं कि ये पूरी तरह से यहाँ पर साइडवेज चल रहा है, तो ऑटो सेक्टर भी पूरी तरह से साइडवेज है। फिर फार्मा सेक्टर, देखिए फार्मा सेक्टर भी लगातार लोअर हाई बना रहा है, तो फार्मा सेक्टर भी साइडवेज है। उसके बाद है फाइनेंस सेक्टर। देखिए फाइनेंस सेक्टर भी यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर साइडवेज मूवमेंटअप कर रहा है, ये फाइनेंस सेक्टर का ऑल टाइम हाई है। अगर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है निश्चित रूप से हम इसमें काफी जबरदस्त रूप से बुलिश होंगे। तो फाइनेंस सेक्टर भी यहाँ लगातार जो अपना लोअर हाई बना रहा है, तो फाइनेंस सेक्टर भी साइडवेज चल रहा है। अगर ये अपने प्रीवियस जो लो है, ये देखिए प्रीवियस स्विंग का लो ये है, उससे प्रीवियस स्विंग का लो ये है, अगर इस लो को मतलब इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है जो कि है 16,500, तो फाइनेंस सेक्टर पूरी तरह से बेरिश हो जाएगा। तो अभी हमें जो एफएमसीजी सेक्टर है ज्यादा बेरिश देखने मिला, ज्यादातर सेक्टर जो है वो अभी साइडवेज है। फिर यहाँ पाता है मेटल सेक्टर। देखिए मेटल सेक्टर पूरी तरह से साइडवेज है, देखिए ऊपर नीचे तो कुछ इस तरह का रेंज बना रखा है जो कि है 5180 का रेंज, और ऊपर का जो रेंज है वो है हमारा 5940 का रेंज। तो ये रेंज में फंसा हुआ है मेटल सेक्टर। जिस रेंज को ब्रेक करता है, ऊपर ब्रेक करता है तो बुलिश हो जाएगा, नीचे ब्रेक करता है तो बेरिश हो जाएगा। फिर अगला है रियल्टी सेक्टर। तो देखिए रियल्टी सेक्टर भी काफी ज्यादा यहाँ पर मतलब गिरावट देखने मिला है, लगातार देखिए लोअर हाई बना है, लोअर हाई बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 440 को ब्रेक करता है तो रियल्टी सेक्टर भी बेरिश हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है इंफ्रा सेक्टर। तो देखिए इंफ्रा सेक्टर लगातार यहाँ पर बुलिश रहा है, और इंफ्रा सेक्टर भी अगर अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देता है जो कि है 4700, तो इंफ्रा सेक्टर भी यहाँ पर बेरिश हो जाएगा। फिर अगला है मीडिया सेक्टर। देखिए मीडिया सेक्टर की बात करें तो मीडिया सेक्टर भी पूरी तरह से यहाँ पर साइडवेज दिख रहा है, तो मीडिया सेक्टर भी साइडवेज है। फिर अगला है हमारा DJI, डॉ जोंस से हम ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट को देखते हैं, तो ग्लोबल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो पूरी तरह से साइडवेज है। तो देखिए यहाँ पूरी तरह से साइडवेज मूवमेंटअप कर रहा है ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट जो है पूरी तरह से हम जो है मुख्य रूप से डॉ जोंस को फॉलो करते हैं ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करने के लिए। तो जैसे ये यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि 33,600 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो डॉ जोंस पूरी तरह से बेरिश हो जाएगा। तो डॉ जोंस भी अभी पूरी तरह से साइडवेज है।
फिर आगे है क्रूड ऑयल। देखिए क्रूड ऑयल में काफी जबरदस्त तेजी है, क्रूड ऑयल अपने ऑल टाइम हाई पे है। देखिए यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है 6,900 डॉलर पे पहुंच चुका है। तो क्रूड ऑयल का जो फ्यूचर है उसमें काफी जबरदस्त तेजी देखने लगा है, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। और देखिए यहाँ पर गिरावट हो करके ये 5,000 डॉलर तक आया था, वहां से बढ़ करके 6,900 पहुंच चुका है। तो काफी जबरदस्त तेजी है क्रूड ऑयल में। फिर बात करते हैं गोल्ड का। देखिए गोल्ड पूरी तरह से यहाँ पर साइडवेज है, जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं कर देता है, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो है 48,876 का, तब तक ये गोल्ड हमारा यहाँ पर बुलिश नहीं होगा। और जब तक ये नीचे का जो सपोर्ट रीजन है उसको नहीं ब्रेक कर देता, जो कि है 47,320 का, तब तक ये गोल्ड जो यहाँ पर बेरिश नहीं होगा। तो गोल्ड को बेरिश होने के लिए सपोर्ट ब्रेक करना पड़ेगा, बुलिश होने के लिए इसको रेसिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद है बिटकॉइन। देखिए बिटकॉइन भी काफी जबरदस्त यहाँ पर है। बिटकॉइन का अगर हम ट्रेंड फॉलोविंग देखें तो बिटकॉइन का जो ट्रेंड है, देखिए ये ट्रेंड है और यहाँ बिटकॉइन जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। देखिए बिटकॉइन में ब्रेकआउट हो चुका है, तो आप यहाँ पर चाहे तो बाय कर सकते हैं, ब्रेकआउट पे ही हमें बाय करना चाहिए। तो यह ब्रेकआउट मिल चुका है, तो बिटकॉइन को अभी आप बाय कर सकते हैं ब्रेकआउट पर। और यहाँ पर जो टारगेट हमारा लेके चलेंगे वो यहाँ पर ये हमारा टारगेट होगा। देखिए तो टारगेट से अभी भी काफी दूर है, अभी भी जिन्होंने बिटकॉइन में निवेश नहीं किया है तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टारगेट जो होगा वो लगभग 50-60% मान के चले, तो 60% का ये हमारा टारगेट होगा अभी करेंट के प्राइस से। तो बिटकॉइन में काफी जबरदस्त यहाँ पर ब्रेकआउट देखने मिला है, तो अभी आप इसको बाय करते हैं। अप्रॉक्स 60% का टारगेट है जो कि काफी जबरदस्त होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो अभी किसमें निवेश करना है, किस कौन सा सेक्टर साइडवेज है, कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा बेरिश है, इसकी चर्चा मैंने किया। अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।